केमिस्ट्री का क्वेश्चन करते हैं फटाफट मैं भी आपके साथ क्वेश्चन बनाऊंगा तो चलिए फटाफट आंसर करते चलिए आप लोग देखिए क्वेश्चन आपके सामने आ गया है पहला क्वेश्चन है 25 डिग्री सेल्सियस पर सोडियम नाइट्रेट के संतृप्त विलयन के 35.0 अच्छा पॉइंट के बाद जीरो रहता है उसके बाद कोई डिजिट ना रहे तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता डायरेक्ट पैंतीस उसको लिखना है ठीक है पैंतीस ग्राम में नोइन नाइन पॉइंट जीरो ग्राम सोडियम नाइट्रेट घुला है तो सोडियम नाइट्रेट की विलेयता ज्ञात करें यहाँ पर विलेयता ज्ञात करनी है आपको बना सकते हैं विलेयता बराबर फॉर्मूला होता है विलय बट विलायक गुना सौ ध्यान रखना है विलयता बराबर विलय बट विलायक गुना सौ ये फॉर्मूला लगाइएगा आपका आंसर आ जाएगा पहले हम थोड़ा सा इसका जो है जो डाटा दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं विलयन की मात्रा कितनी दी हुई है विलियन के दिया, कितना दिया हुआ है पैंतीस पॉइंट जीरो पैंतीस पॉइंट जीरो ग्राम तो ये जीरो कोई काम का नहीं रहता डायरेक्ट पैंतीस ग्राम ठीक है उसके बाद सॉल्यूशन यहाँ पर क्या दिया हुआ है यहाँ पर ये देख रहे हैं सोडियम नाइट्रेट जो कम हो वो क्या होता है विलय होता है ठीक है तो एन ए एन ओ थ्री यानी कि सोडियम नाइट्रेट क्या हो गया विलय हो गया यहाँ पर लिख लीजिए कोष्ट में विले इसकी मात्रा कितना है नौ ग्राम है ठीक है तो अब विलायक की मात्रा निकालनी है क्योंकि आपका जो फॉर्मूला होता है विलेता मैं दूसरे कलर से लिख दे रहा हूं ताकि आपको फॉर्मूला हमेशा याद रहे विलेता बराबर होती है विले ठीक है विलय और बट्टे में विलायक विलायक गुना शो ठीक है ये होती है फॉर्मूला ठीक है जी चलिए यहां पर एक चीज मैंने आपको नहीं लिखा है यहां पर विलय तो निकल गया हमारा विलय मतलब चीनी और पानी का जो घोल बनाते हैं तो कम क्या रहता है चीनी रहता है पानी के बराबर थोड़े ना हम चीनी डालते हैं कम डालते हैं जो कम हो उसे विलय अर्थात सोल्यूट बोलते हैं ठीक है और विलायक किसे बोलेंगे पानी में हम चीनी को घोलते हैं तो पानी हो गया हमारे लिए विलायक ठीक है जिसमें घुले इंग्लिश में बोलते हैं उसको तो यहां पर हमें विलायक ज्ञात करनी है विलायक ठीक है विलायक क्या है ये पैंतीस ग्राम जो देख रहे हैं आप ये सोडियम नाइट्रेट और पानी का घुला हुआ मिश्रण है तो इन में से सोडियम नाइट्रेट यानि पैंतीस ग्राम में से नौ ग्राम निकाल दीजिए कितना बच जाता है आपको जल्दी से बताइए कितना बचता है आपको छब्बीस ये छब्बीस ग्राम आपको विलायक हो गया चलिए अब इस फॉर्मूला पे फटाक से बैठा के आंसर बताइए मैं नहीं बता रहा हूँ तब तक आप लोग जो है फटाफट आंसर बताइए कितना हो जाएगा अब तो बन गया ना बिल्कुल बन जाएगा देखिए कितना डालना है ऊपर में विले कितना है विले नौ ग्राम ठीक है और विलायक कितना है छब्बीस गुना सौ जल्दी से कैलकुलेशन कीजिए आ जाएगा आपका आंसर जल्दी से कीजिए कितना आ जा रहा है थर्टी फोर पॉइंट सिक्स वन आ रहा है क्या देखिए कैमरा नंबर आपका ऑप्शन है फर्स्ट नंबर है ना तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा क्लियर है सबको समझ में आया विलियन कितना है टोटल ये आपको टेम्परेचर जो दिया हुआ है ये विलेयता ज्ञात करने के लिए हमें टेम्परेचर का कोई मतलब नहीं है वैसे सवाल में उलझने के लिए दे दिया जाता है टेम्परेचर ठीक है टेम्परेचर से हमें कोई मतलब नहीं क्योंकि विलेयता का जो फॉर्मूला होता है उसमें टेम्परेचर का कहीं मेंशन ही नहीं है कोई बात ही नहीं है तो हम क्यों टेम्परेचर में दिमाग खपाएँ हमें सिर्फ फॉर्मूला याद होनी चाहिए ठीक है और सॉल्यूशन चैप्टर का हम पूरा फॉर्मूला प्लस क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन यूट्यूब पर करवा दिए हैं इससे पहले ही करवा दिए हैं तो सभी लोग प्लीज वो चैप्टर को कंप्लीट कीजिए ठीक है उसका नोट्स अगर चाहिए आपको तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए हम वहाँ पर ग्रुप में जो है डाल देंगे चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है जल्दी से बनाइए इसको एक विलियन में तीन सौ बीस ग्राम विलायक जल में चालीस ग्राम साधारण नमक विलय है विलियन की सांद्रता होगी जल्दी से बताइए यहाँ पर देखिए विलय अलग है विलायक अलग है तो विलियन का यहां पर नहीं दिया हुआ है एक विलियन में यहां पर देखिए तीन ग्राम जल है और चालीस ग्राम साधारण नमक है तो विलियन आपको नहीं दिया हुआ है विलय और विलायक दिया हुआ है विलियन आपको ज्ञात करना है बन रहा है अच्छा विलियन बराबर क्या होता है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूशन सोल्यूशन बराबर क्या होता है विले प्लस में विलायक ठीक है विले को इंग्लिश में बोलते हैं सोल्यूट और इसको बोलते हैं सॉल्वेंट तो विले विले कितना है हमेशा याद रखना विले जो रहेगा ये देखिए क्या है साधारण नमक विले है विलय की मात्रा कम होगी तो चालीस और ये कितना है सॉल्वेंट कितना है तीन सौ बीस टोटल कितना हो गया तीन सौ साठ हो गया ठीक है अब हमें क्या ज्ञात करनी है विलयन की सांद्रता ज्ञात करनी है तो विलयन की सांद्रता के लिए आपको फॉर्मूला दिए हुए हैं हम सॉल्यूशन वाला जब थ्योरी क्लास हुआ था सभी लोग किए होंगे उम्मीद करते हैं किए या नहीं किए चलिए विलियन किसानता फॉर्मूला सभी लोग नोट कीजिए कॉपी में फॉर्मूला नोट कीजिए विलियन बट्टे में विलियन गुना में 100 ठीक है ये आपका फॉर्मूला हो गया जी हमेशा के लिए इसको याद रखना है की सांद्रता बराबर कौन सी फॉर्मूला होती है विले बट विलियन गुना में 100 ठीक है इंग्लिश में बोले तो सोल्यूट बट सोल्यूशन इन टू हंड्रेड ठीक है चलिए इस फॉर्मूला पे बैठाइए आपका आंसर तुरंत आ जाएगा जल्दी से बता दीजिए विले कितना है आपका चालीस ग्राम साधारण नमक है ना तो चालीस ले लेंगे और सॉल्यूशन कितना बना है चालीस प्लस तीन सौ बीस किए तो तीन सौ साठ आ गया था जी गुना सौ कर दीजिए एक जीरो एक जीरो कट कर दीजिए कितना आ जाएगा आपका चार नब्बे छत्तीस यानी कि एक सौ बटन नौ ठीक है इसको अगर गुना भाग कीजिएगा आप तो आपको आंसर आ जाएगा ग्यारह पॉइंट ग्यारह ठीक है देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है आपका ग्यारह पॉइंट ग्यारह परसेंट हाँ गुना में तो परसेंट लिख लीजिएगा ठीक है अच्छा इससे पहले वाले सवाल में नहीं परसेंट में लिखना है वहाँ पर ग्राम ही होगा ठीक ना विलेता जो होगी यहाँ पर ग्राम होगी चलिए अगला सवाल जो हम बता रहे थे यहां पर कितना हो गया ग्यारह पॉइंट ग्यारह परसेंट सांद्रता जो होती है वो परसेंट में निकलती है ध्यान रखना इस बात को सवाल समझ में आ गया सबको स्क्रीन शॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं ले लिए सेकेंड राउंड में ये स्क्रीन शॉट ले लीजिए जिसमें आपका फॉर्मूला प्लस में आंसर दोनों आ गया ठीक है चलिए आगे बढ़ते अगला सवाल कीजिए टू पॉइंट फाइव फाइव ग्राम एथेनोइक अम्ल में एथेनोइक एसिड के मोल की संख्या ज्ञात करें सबसे पहले आपको एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला पता होना चाहिए पर फॉर्मूला पता है बताइए क्या है फॉर्मूला कमेंट में बताइएगा तो सभी लोग लाइव चैट में नहीं कमेंट में बताइए चलिए सी एच थ्री सी डबल ओ एच ये सी डब्लो एच जो है फंक्शनल ग्रुप है आपका जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट है तो अगला दिन जो आपका क्लास होगा तो उसमें यही फंक्शनल ग्रुप वगैरह सब बताने वाले हैं डिस्कस करने वाले हैं तो जो भी न्यू स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं ले सकते हैं तो ये जो देख रहे हैं ये सी डब्ल ओ एच ये फंक्शनल ग्रुप है जिसका प्रीफिक्स जो है कार्बोजिक एसिड होता है और जब उसका सफिक्स लगाइएगा यानी पीछे में लगाइएगा तो ओइक एसिड आता है ओइक एसिड ठीक है तो यहां पर देखिए ओइक एसिड वाला टर्म जुड़ा हुआ है और इथेन इथेन यहां पर देख ले सी एस थ्री को इथेन बोलते हैं हम लोग क्लियर है जब वहां पर पढ़ाएंगे तो ज्यादा ही समझ आएगा चलिए इसमें टू पॉइंट फाइव ग्राम एथेनोइक अम्ल में इथोनोइक अम्ल की मोल की संख्या मोल की संख्या बराबर हम क्या बताए थे द्रमान बट्ट अनुभार ठीक है मोल बराबर द्रव्यमान बट्ट अनुभार अनुभार को क्या बोलते हैं मोलिकुलर मास ठीक है अनुभार को क्या बोलते हैं हम लोग मोलिकुलर मास फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए अगर द्रव्यमान बराबर हमको निकालना होगा तो क्या करेंगे मोल गुना अनुभार कर देंगे अगर अनुभार निकालना होगा तो द्रव्यमान बटे मोल कर देंगे क्लियर है तो यहां से आप कुछ भी ड्राइव कर सकते हैं तो चलिए इसमें द्रव्यमान तो दिया हुआ है टू पॉइंट फाइव ग्राम अम्ल का अगर अनुभार निकालिएगा तो कार्बन का मोलिकुलर मास कितना होता है बारह होता है हाइड्रोजन का कितना होता है सभी आपको पता है इस टोटल का अगर निकालिएगा तो आपको साठ आ जाएगा मोलिकुलर भार्बोजेलिक एसिड का ठीक है तो मोलिकुलर बाहर आप निकाल करके देख लीजिएगा आपको पता होनी चाहिए मोलिकुलर बाहर कैसे निकाला जाता है टू पॉइंट फाइव और बट्टे में अगर क्या कीजिएगा साठ कीजिएगा ठीक है बट्टे में साठ कीजिएगा तो आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपको जो है कितना आ जाएगा ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो फोर ठीक है इतना आ जाएगा जीरो पॉइंट जीरो फोर क्या आ जाएगा मोल ठीक है जीरो पॉइंट जीरो फोर मोल ये मोल होगी किसकी इथेनोइक एसिड की <coughs> चलिए कभी कभी गला फंस जाती है अगला क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव टाइप ये सारे के सारे क्वेश्चन देते हैं अगला क्वेश्चन है विलियन का प्रमुख गुण क्या है देखिए एक अच्छा विलियन होगा तो वो आपस में घुला मिला कोई भी चीज़ आपको जल्दी से पता नहीं चलेगा तो घुला मिला होने का मतलब समांग विषमांग मिलियन में क्या होगा सॉल्यूट का कण जो होगा वो बड़ा होगा ठीक है तो विलियन का प्रमुख गुण क्या है समांग होना यानी कि घुल मिल जाना जैसे कि दूध पानी पता ही नहीं चलेगा कि किधर दूध है किधर पानी है ठीक है तो समांग होना इसका प्रमुख गुण है अगला क्वेश्चन है क्या गैस में विसरण का गुण पाया जाता है बता सकते हैं आप लोग कमेंट में आंसर कीजिए बिल्कुल पाया जाता तभी जो है सिलेंडर में जो आप देखते हैं ठीक है सिलेंडर जो देखते हैं सिलेंडर में चौदह लीटर वाली सिलेंडर में जो देखते हैं आप तो कम होते जाती तो नीचे से हटते जाता लेकिन ऊपर से पाइप होकर के आपके चाय उबाल मारते रहते ठीक है, है तो विसरण गुण के कारण ही चलिए अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है वायुमंडलीय दाब कहलाता है वायुमंडलीय दाब जो है उसको इंग्लिश में बोलते हैं एटमोस्फेरिक प्रेशर उसे ए से डिनोट किया जाता है ठीक है और वायुमंडलीय दाब को मापा किस चीज में जाता है तो पास्कल में ठीक है पास्कल में मापा जाता है चलिए अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है क्या ठोस पदार्थ एक दूसरे पदार्थ में विस्तृत होती है विस्तृत या विस्तृत विस्तृत मतलब एक ये ठोस पदार्थ है और दूसरा कोई चम्मच वगैरह कुछ भी ठीक है एक डंडा आपने रख दिया दोनों को खूब सटाइए क्या एक दूसरे में घुलेंगे मिलेंगे नमक बालू जैसे ही आप पानी और चीनी जैसे क्या एक दूसरे में घुलेंगे कभी नहीं घुलेंगे ठीक है तो कभी नहीं ठीक है या नहीं या कभी नहीं क्लियर है नहीं या कभी नहीं कुछ भी मार सकते हैं आपका दोनों में से कोई भी ऑप्शन सही हो सकता नहीं अगर दोनों में से ना दिया रहे ये डी वाला ऑप्शन ना दिया रहे तो आप मार सकते हैं नहीं या नहीं तो कभी नहीं ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन है पाँच मोल ये आठ नंबर क्वेश्चन है एट पॉइंट फाइव नहीं देख लीजिएगा पाँच मोल अमोनिया का द्रव्यमान कितना होगा पाँच मोल अमोनिया का द्रव्यमान कितना होगा बता सकते हैं जल्दी से बताइए द्रव्यमान यहाँ पर पूछा जा रहा है अमोनिया का इस ये बताने के लिए आपको अमोनिया का फॉर्मूला आना चाहिए पता है आपको अमोनिया का फॉर्मूला एनएच थ्री ठीक है तो अमोनियम का क्या फॉर्मूला ये तो हो गया अमोनिया का अमोनियम का क्या होता है वो आप कमेंट में बताइएगा ठीक है एनएच थ्री इसका मोलिकुलर मास कितना होता है निकालिएगा आप लोग ठीक है हमें थोड़ी बहुत याद है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन करवाते रहते हैं तो थोड़ी बहुत याद हो जाती है अगर आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा तो आपको भी याद हो जाएगी ठीक है नाइट्रोजन का कितना होता है परमाणु द्रव्यमान चौदह होती है और तीन हाइड्रोजन का तीन हो गया एक हाइड्रोजन का एक होता है ना तो तीन का तीन हो गया तो सत्रह हो गया ना ठीक है ना ऐसे ही याद रखिए तो हो जाएगी चलिए यहाँ पर क्या हो गया आपको क्या क्या मिल गया है मोल दिया हुआ है यहां पर आपका जो अनुभार होता है वो प्राप्त हो गया अब क्या निकाल देना है आपको द्रव्यमान निकालना है मोल निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला दिए हुए थे मोल निकालने के लिए द्रव्यमान बट्टे में मोलिकुलर मास जिसको अनुभार बोलते हैं अनुभार तो अभी आपको क्या ज्ञात करना है द्रव्यमान ज्ञात करना है तो द्रव्यमान को इधर ले आइए तो द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा मोल गुना में अनुभार हो जाएगा क्या हो जाएगा क्या चलिए पांच मोल है अनुभार कितना आ गया है सत्रह आ गया है तो सत्रह पच्चीस कितना हो जाएगा ये बिल्कुल तो राइट आंसर हो गया आपका डी तो फ्रेंड्स इस टेस्ट में जो है केमिस्ट्री के लगभग एट या नौ क्वेश्चन लिए गए थे जो कि एट ही क्वेश्चन में लिया हूँ ठीक है तो आप लोग से उम्मीद करते हैं कि सारे क्वेश्चन अच्छा एक क्वेश्चन और है चलिए आप लोग से उम्मीद करते हैं कि अब इस क्वेश्चन को अगर आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो सब बन जाएगी आपको इस क्वेश्चन का सिर्फ क्वेश्चन वाला जो है पीडीएफ आपको मिल जाएगा कहाँ पर बायो के ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप में तो वहाँ से आप जो है क्वेश्चन का पी डाउनलोड कर लीजिएगा फिर सारे क्वेश्चन को अपने कॉपी पर नोट कीजिएगा और उसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा अगर नहीं सॉल्व हो दिक्कत हो तब फिर आप यूट्यूब पे आकर के इस लेक्चर को देख लीजिएगा जो कि वीडियो के रूप में आपको केमिस्ट्री वाला फोल्डर में मिल जाएगा ठीक है तो चलिए एक क्वेश्चन और बचा हुआ है इसको भी सॉल्व कर लेते हैं फिर बाकी बात करेंगे यहाँ पर दिया हुआ है दो ग्राम एच में एच के कितने मोल उपस्थित है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है पहले आपको निकालना होगा एच टू एस ओ फोर का दो सौ चौरानवे ग्राम में मॉल कितना है चलिए एच टू एस ओ फोर का मोलिकुलर मास कितना होता है बता सकते हैं एच टू एस ओ फोर का मोलिकुलर एमएम मोलिकुलर मास कितना होता है अंठानवे ग्राम ठीक है अंठानवे ग्राम तो एच टू एसओ फोर की मोल की संख्या निकालते हैं एच टू एसओ फोर की मोल की संख्या कितना हो जाएगा बता सकते हैं दो सौ चौरानवे बट्टे में अंठानवे कट कीजिएगा तो तीन आ जाएगा आंसर तीन हो गया टोटल इस टोटल का मोल की संख्या तीन हो गई अब इसमें से जो भी आपको जिस भी एटम का हाइड्रोजन नहीं जिसका भी निकालना है उसका निकाल लीजिए और तीन से गुना कर दीजिए उसमें तो यहां पर हाइड्रोजन कितनी देख रहे हैं आप दो देख रहे हैं तो दो में तीन से गुना कर दीजिए छ मोल ठीक है तो राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए आपका सी हो जाना चाहिए ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन है इनमें से कौन उत्तक है उत्तक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में टिशू बोलते हैं तो इनमें से कौन सा एक टिशू है जल्दी से बताइए देखिए अमाशा यानी कि एस्टोमिक क्या है एक ऑर्गेन है ठीक है सेल से बना होता है कई सारे सेल के मिलने से बना होता है टिशू ठीक है कई सारे टिशू से मिलकर के बने होते हैं ऑर्गेन ठीक है कई सारे ऑर्गेन से मिल करके बनते हैं ऑर्गेन सिस्टम फिर जो है एक ऑर्गेनिज्म बनता है तो ये स्टोमेक जो है ये आपका एक ऑर्गेन है लीवर जो है वो भी एक ऑर्गेन है किडनी जो है वो भी एक ऑर्गेन है लेकिन ब्लड जो है वो आपका एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है ठीक है जिसको तरल संयोजी उत्तक बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं तरल संयोजी उत्तक ठीक है कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोलते हैं क्योंकि ये हमारे पूरे बॉडी में कोरिलेट करके रखता है जब तक कि ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो सेल में माइट्रोकोन्ट्रे या रेस्परेशन नहीं कर पाएगी उसकी वजह से जो है कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर को ग्लूकोज नहीं मिलेगा और हमारे शरीर के जो भी ऑर्गेन्स है वो फंक्शन नहीं कर पाएगा तो समझ आ गई चलिए अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है जम्भिक दंत जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मैक्सिलरी तीथ पाया जाता है मैक्सिलरी तीथ किस में पाया जाता है आपके ऑप्शन हैं मेढक में मादा मेंढक में नर एवं मादा दोनों मेंढक में और चौथा ऑप्शन है मनुष्य इनमें जल्दी से बता दीजिए अगर आंसर आपको पता है तो देखिए ये जो है मेंढक में पाया जाता है ठीक मेंढक में नर तथा मादा दोनो, दोनों दोनों मेंढक में पाया जाता है ठीक है तो यहाँ पर नर एवं मादा दोनों में यहाँ पर मेंढक दिया हुआ नहीं है तो हम नहीं समझेंगे कि ये मेंढक वाला ऑप्शन है मेंढक में मेंढक का मतलब हो गया कि नर मादा दोनों ठीक है मेल और फीमेल दोनों दोनों में पाया जाता है ठीक है मेंढक में दो प्रकार के दांत पाए जाते हैं पहला तो ये जो आपको दिख रहा है मैक्सलरी तीत दूसरा कौन सा होता है भेमोरिन तीत मैं लिख दूं यहां पर भेमोरिन दो प्रकार के दांत पाए जाते हैं मनुष्य में चार प्रकार के दांत पाए जाते हैं जैसे इंसाइजर के नाइन मोलर प्री मोलर ठीक लेकिन मेंढक में जो है केवल दो प्रकार के तीत पाए जाते एक, एक जो है और दूसरा ठीक है? और कुल कितने तीत होते हैं टोटल तीत कितने होते हैं वो आप हमें कमेंट में बताइएगा मेंढक में कुल कितने तीत होते हैं वो बताइएगा एक मैं एक्स्ट्रा जानकारी यहां पर दे दूं जो भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़े पाए जाने वाले मेंढक जो है उनका नाम है रायना टिग्रन मैं लिख दू रायना टिग्राना ठीक है ये है इसको नोट करके लिख लीजिएगा ये भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाला सबसे बड़ा मेंढक है और इसको भारतीय जो है अपनी भाषा में क्या बोलते हैं बुल फ्रॉग ठीक है फ्रॉग मतलब मेंढक होता है तो बुल फ्रॉग बोला जाता है इसे लिख सकते हैं आप उनको भी चलिए अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है प्याज का खाने योग्य भाग है प्याज का खाने योग्य कौन सा भाग है रूट स्टीम फ्लैसी लिव्स ऑल यहाँ पर मैंने आपको ये डायग्राम लगा दिया हूँ ताकि इन क्वेश्चन में हमेशा कन्फ्यूजन रहती है ठीक है इसीलिए मैंने डायग्राम ले लिया हूँ ताकि हमेशा के लिए आपका कन्फ्यूजन दूर कर दूँ यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं जो आपका रूट्स है वो तो नीचे दिखी रही है स्टीम ये वाला हो गया हिस्सा और ऊपर जो है ये फ्लैसी लिप्स है ठीक है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका फ्लैसी लिप्स अगर आपका फ्लैसी लिप्स ना देकर के सिर्फ लिप्स दिया रहे तो क्या होगा इस्टीम होगा ठीक है अगर फ्लैसी लिप्स ना देकर के सिर्फ लिप्स दिया रहे ठीक है लिफ यानी कि पत्ती दिया रहे तब जा कर के ये आंसर आपका नहीं होगा तब स्टीम आप मारिएगा ठीक है जब फ्लेसी लिप्स दिया रहे तब फ्लेसी लिप्स को मारिएगा क्लियर है चलिए अगला क्वेश्चन द्विखंडन किस में पाया जाता है द्विखंडन को इंग्लिश में बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन बाइनरी फ्यूजन किस में पाया जाता है आपके ऑप्शनस हैं अमीबा में पैरामीशियम में जलकुंभी में अमीबा एवं पैरामीशियम दोनों में बिल्कुल राइट अमीबा एंड पैरामीशियम दोनों में हो जाएगा अब यहाँ पर आपको बताना है कि जलकुंभी में किस प्रकार का प्रजनन होता है बताइए कायिक प्रवर्धन ठीक है कायिक प्रवर्धन यानी लिखेगा क्या चलिए मैं नीचे लिख दे रहा हूं कोई दिक्कत नहीं कायिक प्रवर्धन और पता है जलकुंभी का दूसरा नाम क्या है टेरर ऑफ बंगाल ठीक है सॉरी टेरर ऑफ बंगाल तो इसको कहा जाता है दूसरा नाम है इसका वाटर हयासिंथ वो भी याद रखिएगा और इसे बंगाल का आतंक कहा जाता है बंगाल का आतंक बंगाल का आतंक किसे कहा क्यों कहा जाता है ये हम आपको प्लांट रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में अच्छे से बता दिए हैं ठीक है तो यहाँ पर बायोलॉजी के प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहां से प्लांट रिप्रोडक्शन वाले जो है चैप्टर ओपन कीजिएगा आपको पूरा डिटेल्स में इनके बारे में हमने बताया हुआ है चलिए अगला अगला क्वेश्चन क्वेश्चन देखिए है मधुमक्खी में गुणसूत्रों की संख्या होती है मधुमक्खी हनी बी जो होती है उसी को मधुमक्खी बोला जाता है जल्दी से बताइए कितनी होगी ए वाला सही है बी वाला सही या है, सी है देखिए नी बी में जो मेल होते हैं मेल बी जो होते हैं उसमें कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं टोटल क्रोमोसोम कितने पाए जाते हैं सोलह लेकिन फीमेल हनी बी जो होती है हो, उसमें टोटल क्रोमोसोम कितने पाए जाते हैं थर्टी टू पाए जाते हैं ठीक है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा चलिए अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन इनमें से कौन अंड प्रजक है अंड प्रजक मतलब जो जीव अंडा ही दे ठीक है वो बच्चा नहीं दे डायरेक्ट समझिए उतना लेन प्रोसेस में नहीं जाना है जो जीव अंडा दे यानी कि बच्चा नहीं दे तो उसे हम क्या बोलते हैं अंड प्रजक बोलते हैं और इंग्लिश में ओविपेरस ओविपेरस कौन है आपके पहला ऑप्शन भी हो जाएगा मुर्गी सांप मगरमच्छ सभी के सभी क्या है अंड प्रजक है अब यहाँ पर बात आती है अंड प्रजक तो ये हो गया तो जो बेबी प्रोड्यूस करेगी उसको क्या बोलते हैं इसको ओविपेरस बोलते हैं और उसको क्या बोलते हैं हम लोग वी पेरस बोलते हैं ठीक है याद रखिएगा बेबी पी ए आर ओ S इसमें क्या होगा कि बेबी प्रोड्यूस करेगी ठीक है और इसके जो अच्छा पेरस के आते हैं पेरस पर आते हैं ये जो अंडा देते हैं तो अंडा के चारों ओर एक कठोर लेयर रहता है व्हाइट कलर का देखेंगे जो कैल्शियम का बना होता है और बहुत ही कठोर होता है ठीक है जो कि कवच का कार्य करता है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन है किस में बनता है युग्मक को क्या बोलते हैं गेमिट बोलते हैं गेमिट किस में पाया जाता है केवल नर में केवल मादा में नर तथा मादा दोनों में या किसी में नहीं क्या होगा आपका आंसर बिल्कुल सी होगा क्योंकि पता है आपको कि मेल में भी बनती है और फीमेल में भी बनता है अगर ह्यूमन की बात करें ह्यूमन का जो मेल गेमिट होता है उसे क्या बोलते हैं एस्पम बोलते हैं और फीमेल गेमिट जो होती है उसे क्या बोलते हैं ओबम बोलते हैं है कि नहीं सबको याद है तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में अच्छे से बता दिए थे ना अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर को ओपन कीजिए वहाँ पर हर एक पार्ट को मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट सबको अलग से थ्री डायग्राम के साथ बताए हुए हैं तो जो भी स्टूडेंट नहीं देखें या जिसको थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है प्लीज़ आप लोग प्ले में जा कर के वहाँ पर वॉच कर लीजिए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग शुक्राणु के मध्य भाग में रहता है शुक्राणु के मध्य भाग में क्या रहता है इसके लिए चलिए हम डायग्राम लेते हैं फिर आपको समझा दीजिए है आपके लिए मैं डायग्राम लेकर के आ गया हूँ इसमें पता चल जाएगी आपको कि स्पम में कौन सा पार्ट कहाँ पर पाया जाता है ठीक है हमें क्वेश्चन में पूछा गया है शुक्राणु के मध्य भाग में रहता है शुक्राणु के मध्य भाग को क्या बोलते हैं मिडिल पार्ट्स बोलते हैं सबसे अगले हिस्से को हेड बोलते हैं और सबसे लास्ट जो पुछड़ी जैसे होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं टेल बोलते हैं ठीक है तो मध्य भाग में आप लोग देख रहे होंगे कि माइट्रोकोन्ट्रिया पाया जाता है जो कि आपको दिख रहा है और अगले भाग में क्या पाया जाता है न्यूक्लियस पाया जाता है और सबसे अगले भाग को क्या बोलते हैं एक्रोसोम बोलते हैं अब बच के आपका सेंट्रियोल सेंट्रियोल कहाँ पाया जाता है ये नेक के पास पाया जाता है सेंट्रियोल ठीक है तो दोस्तों ये मिडिल पाइस यानी कि मध्य भाग में माइट्रोकोन्ट्रिया करता क्या है स्पॉम में तो ये करता क्या है जैसे कि आप लोगों को पता है कि स्पॉम क्या है मेल गेमिट है मेल गेमीट थ्रू द यूरेथ्रा के थ्रू पेनिस के थ्रू बाहर निकलता है और वेजेना के थ्रू कहाँ पहुँचती है फीमेल क्योबिडक्ट यानी कि फ्लोपियन ट्यूब में वहाँ पर स्थाइमस जंक्शन के पास उधर से ओवम आती है इधर से स्पॉम जाता है फिर दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन होती है तो ये जो डिस्टेंस जो तय करता है तो पेट्रोल डीजल तो इसके पास रहता है नहीं कि ये गाड़ी चला के चल जाएगा तो जो एनर्जी चाहिए वो कौन देता है माइट्रोकोन्ट्रिया देता है ह्यूमन के यानी कि मेल के पेनिस के से निकल करके फ्लोपियन ट्यूब तक जाने का जो इसको फ्यूल चाहिए वो कौन देता है मैट्रोकुन्ट्रिया देता है ठीक है ये कोई गाड़ी तो है नहीं कि फ्यूल लगेगा तो एनर्जी लगेगा तो वही एनर्जी कौन देती है मेट्रोकोट्रिया देती है अब ये टेल का काम क्या होता है टेल का काम होता है बैलेंस बनाना जिस रास्ता जो रास्ता मिले रास्ता से जाना कहीं साइड नहीं भटक जाना ठीक है तो ये बैलेंस बना के रखता है चलिए बाकी अधिक जानकारी के लिए आप जो है प्लेलिस्ट में जो कि मैं पहले से बता रहा हूँ जाइए वहाँ पर मेमोरी ग्लैंड और इस्पर्म का एक स्पेशल वीडियो होगा जिसमें कि हम दोनों के बारे में बहुत ही अच्छे से बताए हुए हैं स्पर्म के और ज़्यादा डीपली नॉलेज आपको वहाँ पर मिल जाएगी अगला क्वेश्चन है डाई हाइब्रिड क्रॉस के जीनोटिपिक रेशियो है डाई हाइब्रिड क्रॉस जिसको हिंदी में बोलते हैं दुई ठीक है दुई शंकर के जीनोटिपिक रेशियो पहले फिनोटिपिक रेशियो आपको पता होनी चाहिए हाइब्रिड क्रॉस के फिनोटिपिक रेशियो होते हैं नाइन इस टू थ्री टू थ्री टू वन ठीक है और जैसे ही फिनोटिपिक रेशियो आप लोगों को पता चल गया अब जीनोटिपिक रेशियो पता करना जीनोटिपिक रेशियो हमेशा याद करना है एक सौ बाईस एक सौ इकतालीस और दो सौ इक्कीस ये याद रखना है तो ये वाला देखिए आपका ऑप्शन ए है तो राइट right आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा ठीक है ये मैं यहाँ पर लगा दिया हूँ तो ये फिनोटिपिक रेशियो है जीनोटिपिक रेशियो जो आपको है वो ए नंबर है ठीक है तो ए में टिक लगा लीजिएगा और इसको लिख लीजिएगा फिनोटिपिक रेशियो ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है फादर ऑफ इंडियन डी एन ए फिंगर प्रिंट फादर ऑफ इंडियन डी एन ए फिंगर प्रिंट किसको बोला जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल हो गया आपको फादर ऑफ़ जेनेटिक्स ठीक है फादर ऑफ जेनेटिक्स डॉक्टर हरगोविंद खुराना क्या हो गया फादर ऑफ जेनेटिकल कोड ठीक है और ये लालजी सिन्हा जो है ये है फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंट याद रखिएगा चलिए अगला क्वेश्चन है बैक्टीरिया की खोज किसने की बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है सभी को पता होनी चाहिए सभी लोग आंसर बताइएगा इसका ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन है शुक्राणुओं को सक्रिय करने वाला पदार्थ है दोस्तों शुक्राणुओं का फॉर्मेशन कहाँ होता है सेमिनिफेरस ट्यूबल्स में होती है वहाँ से थ्रू द वास डिफेंस के द्वारा आता है कहाँ पर सेमिनल वेसल्स के पास सेमिनल वेसल्स से जो है मैं डायग्राम से दिखाऊं क्या चलिए मैं डायग्राम से दिखा हूं से हूं। ये लीजिए आपकी खिदमत में डायग्राम पेश है ये देख रहे हैं मेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स होते हैं उनका डायग्राम है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये टेस्टिस है यहाँ से जो है स्पर्म निकल के आती है वॉश डिफ्रेंस के थ्रू यहाँ पर सेमिनल वेसल्स के पास आती है सेमिनल वेसल्स के पास जैसे ही आती है तो इस समय तक सेमिनल वेसल्स के आने तक ठीक है स्पर्म जो सेमिनल वेसल्स तक आती है यहाँ तक स्पर्म एक्टिव फॉर्म में नहीं आता है कब आती है एक्टिव फॉर्म तो सेमिनल वेसल्स से कुछ लिक्विड्स निकलते जिनका नाम है साइट्रेट ठीक है मैं मारकर ले रहा हूँ साइट्रेट फ्रैक्टोस ठीक है फ्रैक्टोस और इनोसिटॉल ये तीनों के तीनों जो है स्पोम में मिल जाते हैं उसके बाद स्पोम को एक्टिव फॉर्म में ले आते हैं ठीक है मोटाइल हो जाता है फिर गति करने के लिए वो स्वतंत्र हो जाता है या बोल सकते हैं गति करने के लिए और ज़्यादा उसे पावर मिल जाती है फिर जाके वो यूरेथ्रा के थ्रू जा करके के के थ्रू फ्लोपियन ट्यूब तक पूरे गति के साथ पहुँचता है क्योंकि जो सबसे पहले पहुँचेगा वही जा करके फर्टिलाइज़ करेगा अब हमको तो गति प्रदान कौन करता है सेमिनल वेसेल्स से रिलीज हुए तीन पदार्थ जिनका नाम है साइट्रेट, फ्रेक्टोस और इनोसिटोल ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं ब्लड ग्रुप ओ वाला व्यक्ति किस ग्रुप का ब्लड ले सकता है जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ हो तो वह किस ग्रुप का ब्लड ले सकता है बताइए बॉडी फ्लूड एंड सर्कुलेशन में हम बता चुके हैं ये चीज़ ब्लड ग्रुप ओ वाला जो व्यक्ति है अगर उनको रक्त की यानी कि ब्लड की आवश्यकता पड़ी तो केवल ओ वाले ब्लड ग्रुप से ही लिया जा सकता है ठीक है तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? वनली ओ ठीक है और अगर ए बी वाला रहता तो अगर एबी वाला व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है और उन्हें ब्लड की आवश्यकता है तो वो इन सभी में से ए बी ए बी और ओ ठीक है इन चारों के चारों से ले सकता है और सभी को दे कौन सकता है ब्लड ग्रुप ओ जो सभी ग्रुप वाले व्यक्ति को ब्लड दे सकता है क्लियर है चलिए इसीलिए ब्लड ग्रुप ओ को सर्वदाता कहा जाता है और ब्लड ग्रुप ए बी को सर्वग्रही ठीक है जिसे यूनिवर्सल एक्सेप्टर भी इंग्लिश में कहा जाता है और ब्लड ग्रुप ओ को यूनिवर्सल डोनर भी कहा जाता है ठीक है याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है भारत में परिवार नियोजन कब आरंभ हुआ परिवार नियोजन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं फैमिली प्लानिंग बच्चे दो ही अच्छे ठीक है मतलब दो के बाद तीसरा नहीं तो ये फैमिली प्लानिंग में होता क्या है सभी को पता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सभी को पता है डायग्राम उनका डायग्राम पता है ये मैं क्या बना रहा हूं ये हो गया आपका वेजी ना और ये हो गया यूट्रेस और ये हो गया आपका फ्लोपियन ट्यूब ठीक है और यहाँ पर होती है ओवम रहती है तो फैमिली प्लानिंग में फीमेल का जब करना होता है तो क्या करते हैं फीमेल के ऑर्गन यानी कि इस फ्लोपियन ट्यूब को कट कर देते हैं और बांध देते हैं ताकि अगर स्पर्म आएगा तो ठीक है यहाँ तक तो आएगा स्पर्म ठीक है लेकिन ओभम जो इधर से होकर फिमरी से होकर के यहाँ आएगा तो दोनों के बीच में मिलन ही नहीं होगा क्योंकि दोनों का रास्ता साफ ही नहीं है रास्ता में काटा पड़ गया है ठीक है तो दोनों का मिलन नहीं होगा तो तीसरा दुनिया में नहीं आएगा तो ये जो प्लानिंग बना था कि बच्चे दो ही अच्छे जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया गया था उन्नीस बावन ईस्वी में ठीक है जब एन के द्वारा जो है एन जो है उन्नीस बावन को एक्सेप्ट किया है बाकी अदर जगह लुसेंट भारती भवन वगैरह देखिएगा तो उन्नीस मिलेगा तो जनरल कंपटीशन के जो विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो उन्नीस सौ इक्यावन लगाइएगा लेकिन मेडिकल वाले जो भी स्टूडेंट अगर इन वीडियो को देख रहे हैं अगर इन ये क्वेश्चन अभी कभी भी अगर आपसे पूछा जा सकता है अगर पूछा जाता है तो उन्नीस सौ बावन मारीेगा ठीक है क्योंकि अगर ट्वेल्थ के एन सी आर टी देखिएगा ट्वेल्थ एन सी आर टी में चैप्टर नंबर फोर देखिए वहाँ पर स्पष्ट लाइन लिखा हुआ है फैमिली प्लानिंग स्टार्ट हुआ इंडिया में कब उन्नीस सौ बावन ईस्वी में ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन विटामिन सी का रासायनिक नाम है सभी को पता होना चाहिए विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है एस्कॉर्बिक एसिड एस्कॉर्बिक एसिड ठीक है और विटामिन सी के कमी से अच्छा एस्कॉर्बिक एसिड प्राप्त किससे होगा नींबू से ठीक और एस्कॉर्बिक यानी कि विटामिन सी के कमी से कौन सा रोग होता है कमी से कौन सा रोग होता है एस्कॉर्बिक ठीक है स्कॉर्वी रोग होता है ध्यान रखिए क्वेश्चन अच्छा है अगला क्वेश्चन है बच्चों में कुल कितने दांत होते हैं बच्चे में जो होते हैं कुल कितने तीत होते हैं बता सकते हैं बच्चे का दंत फार्मूला याद है उससे पता चल जाएगी दंत फार्मूला से भी पता चल जाएगी बच्चों में कुल कितने दांत होते हैं बीस दांत होते हैं दंत फार्मूला बच्चों का जो होता है वो सबको पता होना चाहिए इक्कीस जीरो दो बट्टे इक्कीस जीरो दो गुना दो बराबर कीजिएगा तो आपको बीस आ जाएगा ठीक है ये इक्कीस जीरो दो क्या है बताइए मैं लिख दे रहा हूँ ध्यान दीजिएगा इस पर और इसको नोट करते जाइएगा सभी क्वेश्चन को इनसाइजर ठीक है उसके कैनाइन प्रीमोलर और मोलर ये हो गया आपका ऊपरी जाओ का एक हिस्सा इसीलिए हम दो से गुना कर दिए हैं ठीक है ये समझ लीजिए कि ये आपका जौ है जबड़ा जिसको बोलते हैं तो एक साइड ये दांत है एक साइड ये दांत है और सेम नीचे भी जबड़ा है ना तो इसीलिए दो से गुना कर दिए हैं कि ऊपर वाले जबड़ा और नीचे वाले जबड़ा बच्चे में मोलर तीर्थ कितने होंगे चार होंगे ऊपर वाले जबड़े में चार नीचे वाले जबड़े में क्लियर है हाँ तो यहाँ पर हम होमवर्क दे रहे हैं हा? व्यस्क का वेस्ट का जो है दंत फॉर्मूला लिखना है ठीक है तीथ फार्मूला आपको कमेंट में लिखना है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन है आपका पागल कुत्ता के काटने पर कौन सा रोग होता है पागल कुत्ता जो भी होगा तो उनमें जो है रेबीज नामक वायरस होता है जिसके काटने से क्या होता है रेबीज नामक बीमारी होता है ठीक है और जिस भी कुत्ता को ये बीमारी रहेगा तो वो पानी से बहुत डरेंगे इन बातों का ध्यान रखिएगा और जिनमें ये बीमारी फैल जाएगा जैसे जिस मनुष्य को काटा कुत्ता अगर उनमें बीमारी फैल फैल गया तो देखिए वो पानी पीने से भी डरेगा नहानी तो बहुत देर की बात है पानी पीने से भी वो डरेगा चलिए अगला क्वेश्चन है जार्विक सेवन क्या है तो जार्विक सेवन क्या है कृत्रिम नेत्र नहीं है कृत्रिम हृदय है वो ठीक है जिसको आर्टिफिशियल हार्ट बोलते हैं आर्टिफिशियल हार्ट को किसने बनाया था विलियम जॉन के टीम ने बनाया था ठीक है मैं लिख दे रहा हूं विलियम जॉन के टीम ने मिलकर के कई डॉक्टर के के टीम मिलकर बनाए थे, लेकिन इसका डिजाइन कौन किए थे कि किस प्रकार का आर्टिफिशियल हर्ट होना चाहिए डिजाइन बाय रॉबर्ट जार्विक ठीक है इसीलिए इसी के नाम पर इन्होंने डिजाइन जो की इसीलिए इन्हीं के नाम पर पड़ गया जारविक सेवन ठीक है और ये देखिए आर्टिफिशियल ऑर्गेन जो है बनाने का काम 1940 से ही स्टार्ट था बहुत सारे आर्टिफिशियल यानी कि मानव निर्मित शरीर के अंग बनाए जाने लगे थे लेकिन उन्नीस सौ बयासी ईस्वी में फर्स्ट बार जो है ह्यूमन हार्ट जो है वो सक्सेसफुल रहा बना बनाया जो गया वो सक्सेसफुल रहा तो उन्नीस जब पूछा जाए कब बना था तो उन्नीस याद रखिएगा किसने बनाया था तो अगर आपको रहे विलियम जॉनसन जारविक से ये रॉबर्ट जारविक ना रहे तो वो टिंग मारिएगा अगर रॉबर्ट जारविक रहे और विलियम दोनों रहे तो इसको मारिएगा क्योंकि ज़्यादा क्रेडिट इन्हीं को जाता है हर्ट के डिजाइन करने में अगर डिजाइन ना किया जाए तो एक बक्सा के जैसे अगर बना देता तो क्या बॉडी में फिट आता नहीं आता तो सबसे ज़्यादा क्रेडिट इन्हीं को मिलता है रॉबर्ट जार्विक को इसीलिए इन्हीं के नाम पर जो है कृत्रिम हार्ट यानी कि आर्टिफिशियल हार्ट का नाम रखा गया है चलिए अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय क्रिया जिसे डार्क रिएक्शन बोलते हैं हरित लवक के किस हिस्से में होती है हरित लवक के किस हिस्से में होती है डार्क रिएक्शन इनके बारे में हम जब फोटोसिंथेसिस आप लोगों को बता रहे थे तो हम बता दिए थे वहां पर ठीक है ये क्लोरोप्लास्ट समझ लीजिए क्लोरोप्लास्ट में आपको पता है कि कई सारे ग्रेनम्स होते हैं जिस ग्रेनम्स में थैलाक्वाइड के बंडल होते हैं ठीक है थैलाक्वाइड के बंडल को क्या बोलते हैं ग्रेनम बोलते हैं और जो खाली स्थान होता है क्लोरोप्लास्ट में जो खाली स्थान होता है ग्रेनम के बाद ठीक है ग्रेना या ग्रेनम बोल सकते हैं ग्रेना और ये हो गया आपका थैलाक्वाइड थेलाक्वाइट और इनके बीच में जो खाली स्पेस बचता है उसे क्या बोलते हैं एस्ट्रोमा बोलते हैं खाली स्पेस को क्या बोलते हैं एस्ट्रोमा थोड़ा सा मैं यहाँ पर फ्रेश कर स्ट्रोमा तो ये डार्क रिएक्शन कहाँ पर होती है क्लोरोप्लास्ट के एस्ट्रोमा में होती है ठीक है इन क्वेश्चन को याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहां से मैं आप लोगों को होमवर्क दिया जा रहा हूं कि लाइट रिएक्शन कहाँ होती है अगर डार्क रिएक्शन फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा वाले हिस्से में होती है तो प्रकाश संश्लेषण का लाइट रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के किस हिस्से में होती है ठीक है ये क्वेश्चन कमेंट में पेस्ट कीजिएगा अगला क्वेश्चन है रेशम उत्पादन किससे होता है रेशम का उत्पादन जो है किससे होता है रेशम कीट के लार्वा से होता है रेशम कीट के, प्यूपा, के प्यूपा से होता है स्वयं रेशम कीट से या रेशम कीट के अंडा से ये क्वेश्चन आपको बतानी है दोस्तों देख सकते हैं क्वेश्चंस चलिए इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए पहले क्वेश्चन को पढ़िए ए पीस ऑफ डी एन ए कंटेंट्स फोर हंड्रेड बेस पेयर व्हाट द लेंथ ऑफ डी एन ए हिंदी में बोले तो डी एन ए के एक टुकड़ा में जो है चार सौ बेस पेयर हैं तो डी एन ए की लंबाई बतानी है आपको डी एन ए कैसी होती है डी एन ए ऐसे ऐसे सूट सुड़ लोग घिंच देते हैं ऐसे ऐसे जो कि गलत स्ट्रक्चर है लेकिन हम समझने के लिए समझ रहे हैं कि चलो ठीक है यही डी है लेकिन ऐसी डी नहीं होती है भूल भी नहीं बनाइएगा इस तरह के स्ट्रक्चर गलत होते हैं ऐसे स्ट्रक्चर ठीक है तो ये डीएनए की लंबाई कितनी होगी अगर बेस पेयर आपको इतनी दे रखी है ये क्वेश्चन से पूछा गया है क्या बना पाएंगे आप चलिए दिक्कत आ रही है कोई बात नहीं चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए ये क्वेश्चन तो बना ही सकते हैं 2020 में पूछा गया था आपके पीएम एग्जाम में बना सकते हैं इनको यदि एक डीएनए में थायमिन की मात्रा 20 प्रतिशत है तो ग्वानीन की मात्रा होगी देखिए जितना थायमिन होता है उतना ही क्या होता है चलिए मैं इन क्वेश्चन को बनाता हूँ फिर टेंशन नहीं लेना है किसी को मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा ये क्वेश्चन क्यों ऐसे बना ऐसे क्यों नहीं बना सब एक्सप्लेन करने वाला हूँ ठीक है चलिए आपको पता है जिन लोग जो लोग चैप्टर पढ़े होंगे पता होगी उनको कि प्यूरिन का जो अमाउंट होता है वो इक्वल होता है किन के के ठीक है तो प्यूरिन और पैरामिडीन के अमाउंट इक्वल हो गए उसी प्रकार से आपके जो होते हैं थाइमिन के अमाउंट किन के बराबर होता है एडिनिन के इक्वल होता है ठीक है तो ए इक्वल टू टी और टी का मान है आपका ट्वेंटी परसेंट तो ये भी हो जाएगा ट्वेंटी परसेंट ठीक है और टोटल बेस पेयर कौन कौन से होते हैं एडनिन होते हैं थायमिन होते हैं ग्वानिन होते हैं और आपका साइटोसिन होते हैं डीएनए में ठीक है ये चारों के चारों नाइट्रोजिनस बेस हैं चारों के चारों मिला करके 100% हंड्रेड परसेंट हो जाएंगे कि नहीं होंगे बताएंगे होएंगे बिल्कुल होएंगे ए और टी का मान पुट कर दीजिए ट्वेंटी परसेंट प्लस में ट्वेंटी परसेंट यहाँ पर हो गया आपका जी प्लस सी इक्वल टू हंड्रेड ठीक है परसेंट हम लगा भी सकते हैं भी। अभी अभी कैलकुलेशन कर रहे तो छोड़ दे रहे हैं हम फिर बाद में एड कर लेंगे ट्वेंटी ट्वेंटी प्लस कितना हो गया फोर्टी चालीस हो गया और आपको पता है कि एडनिन बराबर होता है थाइमिन का उसी प्रकार से ग्वानिन बराबर होता है किसका साइटोसिन का क्लियर है तो हम यहाँ पर जी के बदले में हम लिख सकते हैं या तो सी या नहीं तो जी कुछ भी ले सकते हैं क्योंकि ये एक दूसरे के इक्वल है तो हम सी के बदले में जी ले, ले लेते हैं तो यहाँ हमारा टू जी हो जाएगा ठीक है ये बीस और बीस हो गया चालीस इस हम हंड्रेड माइनस चालीस कर लेंगे टू जी आया थ्री जी फिर आया फोर जी ठीक ना चलिए जी बराबर क्या हो जाएगा हंड्रेड में से चालीस गया तो साठ बट्टे दो गया तीस परसेंट आ गया ग्वानिन बराबर तीस परसेंट ठीक है ग्वानिन बराबर कितना तीस परसेंट और ग्वानिन किसके बराबर है जी साइटोसिन के तो साइटोसिन का भी मान तीस परसेंट हो गया ठीक है यही आंसर आया था आपका एग्जाम में या एग्ज़ाम में कुछ और आंसर कर दिए थे कमेंट कीजिए तो जल्दीबाजी के चक्कर में कौन लोग एग्ज़ाम में जो है आंसर गलत करके आ गए थे मैं जानता हूँ कि आप जानते होंगे आंसर फिर भी जल्दीबाजी के चक्कर में गलत करके आ गए हैं कौन कौन ऐसे स्टूडेंट हैं जो भी गलती ऐसे किए हैं प्लीज़ नेक्स्ट टाइम ऐसे मत कीजिएगा थोड़ा सा टाइम लेकर के क्वेश्चन को सोच कर क्योंकि एक क्वेश्चन आपको पाँच मार्क्स दे रहा है पाँच मार्क्स ले रहा है तो समझिए आपका रैंक कितना जो है लोवेस्ट रहा और अच्छा कॉलेज मिलने की और आप आगे बढ़ जाओगे ठीक है तो नेक्स्ट टाइम बहुत ही अच्छा से केयरफुली आपको क्वेश्चन करने हैं चलिए जो लोग ये समझ गए उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है जो लोग नहीं समझे हैं तो चलिए अब हम आपको आप, समझाते हैं कि ये ए क्या है टी क्या है नीन थाइमिन ग्वानीन सेटोसिन क्या है और जो लोग जानते हैं तो चलिए उनका रिवीजन हम करवा देते हैं ठीक है बहुत ही जल्दी करवा देंगे चलिए डीएनए पहले डीएनए बताइए डीएनए क्या है सभी लोग जानते होंगे कि डीएनए को जेनेटिक मटेरियल कहा गया है क्यों कहा गया है इनके अंदर जेनेटिक कोड को ठीक या जेनेटिक लक्षण को ठीक है स्टोर करने की क्षमता होती है और ये अनुवांशिक लक्षण को स्टोर करके यानी कि जमा करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है इसीलिए हम इसे अनुवांशिक पदार्थ के रूप में जानते हैं ठीक है अब हमें ये पता लगाना है कि ये डीएनए बना किन किन चीज़ों से होता है ठीक है तो सबसे पहले आपको पता ही होगा इनके बारे में कि ये किन किन चीज़ों से बना होता है ये बेसिकली तीन चीज़ों से मिल के बना होता है कौन से ऐसे तीन चीज़ है जी आलू बैंगन पराठा नहीं ना चलिए कौन कौन से चीज़ हैं शुगर हैं आपके क्या है शुगर है और फॉस्फेट ग्रुप फॉस्फेट ग्रुप और किन चीजों से बना हुआ है नाइट्रोजिनस बेस नाइट्रोजिनस बेस ठीक है इन तीन चीज़ों से मिल के बना होता है शुगर तो आपको पता ही हो डी एन एम क्या होता है डी ऑक्सीडाइबोस शुगर होते हैं डी ऑक्सीडाइबोस शुगर उसके बाद फॉस्फेट ग्रुप फॉस्फेट ग्रुप के बारे में आप लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं पहले ये बताइए जानते हैं कि नहीं जानते हैं ऐसा होता है क्या बिल्कुल नहीं थ्री माइनस ये होते हैं फॉस्फेट ग्रुप ठीक है और नाइट्रोजीनस बेस में जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं नाइट्रोजीनस बेस मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लूँ तो आपको यहाँ पर जो है माइनस थ्री दिख रहा है क्या इसी कारण से डीएनए में क्या होती है निगेटिव चार्ज आती है ठीक है जब आपका एक इलेक्ट्रो निगेटिव तत्व और एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव तत्व मिलकर के बनते हैं तो वो जो आपका बनता है मेटेरियल वो एसिडिक नेचर का बनता है क्या बनता है एसिडिक नेचर का बनता है इसीलिए हम क्या बोलते हैं डिओक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड ठीक है एसिड हम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर एक जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व है और एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव तत्व है जब दोनों का जो है रिएक्शन होता है तब जाकर के क्या बनता है या तो वीक एसिड बनेगा लेकिन या स्ट्रॉग एसिड बनेगा लेकिन बनेगा एसिडिक ठीक है ये फंडा तो आपको समझ में आ गई अब आते हैं नाइट्रोजिनस बेस की यहां पर मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर ले रहा हूँ नाइट्रोजिनस बेस जो होता है वो दो प्रकार का होता है ठीक है एक होता है प्योरिन ठीक मैं थोड़ा सा इधर कर ले रहा हूँ अभी तक तो आप लोग ऊपर का स्क्रीन ले लिए होंगे ले लिए हैं ना चलिए मैं थोड़ा सा इनको नीचे लेकर करके बड़ा सा मैं समझा रहा हूँ ठीक टेंशन नहीं लेना है एक क्या होता है प्यूरिन दूसरा क्या होता है प्रीमेडीन ठीक है प्रीमिडीन प्यूरिन में क्या क्या होता है बता सकते हैं अरे वाह पेट कोट्स के सारे बच्चे फटाफट आंसर दे रहे हैं क्या बात बहुत अच्छा ऐसे ही आंसर दिया कीजिए ठीक है प्यूरिन में क्या क्या होता है दो बेस होते हैं पहले होते हैं एडनिन पहले क्या होते हैं एडनिन ठीक है दूसरा क्या होते हैं ग्वानिन ये है ये ग्वानिन पैरामिडिन में भी दो होते हैं बेस कौन कौन से थाइमिन और दूसरा साइटोसिन सी ठीक है वही अगर हम बात करें आरएनए में तो आरएनए में क्या होता है थाइमिन की जगह पे क्या आ जाता है यूरासिल आ जाता है ठीक है तो ये हो गया आपका नाइट्रोजिनस बेस प्यूरिन और पैरामिडीन क्या हो गया नाइट्रोजिनस हो गया नाइट्रोजिनस बेस नाइट्रोजिनस बेस में फिर क्या क्या होती है एडिन गुआनिन थमिन सेटोसिन होती है ठीक है तो ये क्या है और इसको किस प्रकार से क्लासीफिकाई क्लासिफाई की जाए इसके लिए एक अमेरिकन साइंटिस्ट जिनका नाम है इरविन चार्गफ ठीक है उन्होंने अपना कुछ हेपोथेसिस दिए जिनको चारगफ रूल के नाम से हम लोग जानते हैं चलिए उनके बारे में जानते हैं कि चारगफ साहब ने क्या कहा तो चारगफ साहब के यहाँ पर आप एच में तो नहीं ठीक है ना थ्री में आप इनका चेहरा देख सकते हैं यही आपके चारगफ साहब, जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया इन्होंने नाइट्रोजिनस बेस के बारे में सारी कुछ जानकारी दी जिसके बाद क्रिक एंड वाटसन ने आपके डीएनए का डबल हेलिक्स का जो एक सुंदर सा मॉडल और चित्र प्रदर्शित किया इन्हीं के मदद से ठीक है अगर ये इन्होंने नहीं नाइट्रोजिनस बेस को सुलझाया होता तो जो अभी हमारे सामने डायग्राम आता है डीएनए का वो इस प्रकार के डायग्राम हम नहीं देख पाते ठीक है इरविन चार्गव का जन्म जो है ग्यारह अगस्त उन्नीस सौ पाँच ईस्वी में हुई थी और इसकी डेथ जो है यानी कि ऊपर अल्लाह को प्यारे बीस जून दो हजार दो को हो गए ठीक है चार का रूल क्या था इनका फर्स्ट था इन्होंने जो पता लगाया वो था अमाउंट ऑफ इज इक्वल टू प्रीमेडीन ठीक है इन्होंने कहा कि अमाउंट जो होगा प्यूरिन और पैरामिडिन की वो क्या होती है एक दूसरे के इक्वल होते हैं प्यूरिन क्या क्या है बता सकते हैं प्यूरिन में नाइट्रोजनस बेस कौन कौन थे एडिनिन प्लस में वानिन ये दोनों मिल करके किसके बराबर हो जाएंगे थायमिन और सेटोसिन की ठीक है डीएनए के केस में हम बात कर रहे हैं वही अगर आरएनए की बात आ, बात करते तो क्या हो जाता ए प्लस सी और बराबर में इधर आ जाता यू प्लस सी ऐसा होता क्या नहीं होता क्योंकि यहाँ पर जी आएगा ना चलिए आप लोग कमेंट में बताते रहिए ठीक ना कहीं छूट जाता है तो फिर आप लोग के कमेंट देख करके कुछ कुछ सीखने को मिल जाता है चलिए ठीक तो इन्होंने बताया कि प्यूरिन जो होंगे वो पैरामिडिन के इक्वल होंगे ठीक तो इस कंक्लूजन के द्वारा हम एक पॉइंट आगे बढ़ सकते हैं जो इनके द्वारा ही दिखाया गया था हम अपने मन से नहीं आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पर नहीं कुछ है तो क्या है एक है ना उसी एक का हम लोग इस्तेमाल करेंगे चलिए a प्लस जी बाय टी प्लस सी इक्वल टू वन इन्होंने बताया कि किसी भी जीव में ठीक किसी भी जीव में अगर वो एक स्पेसीज का हो यानी कि जाति एक हो ठीक ना अगर कुत्ता जाति है कुत्ता जाति में किसी भी कुत्ता का अगर आप डीएनए मिलाइएगा तो सब में नंबर ऑफ डीएनए क्या होगा सेम होगा प्यूरिन और पैरामिडिन की संख्या क्या होगी सेम होगी लेकिन एक स्पेसीज के अंदर ही ये आप अगर दोनों के बीच में डिफरेंस देखिएगा तो ऐसा नहीं कि मनुष्य ले लीजिए और घोड़ा ले लीजिए और दोनों का डी मिलाते रहिए कभी मिलेगा ठीक तो एक स्पेसीज की ठीक चलिए हम थोड़ा सा जामा पहना देते ताकि अच्छा लगे थोड़ा सा देखने में इसका सेकेंड कंक्लूजन क्या था सेकेंड कंक्लूजन बताइए फटाक से बताइए सेकेंड कंक्लूजन था इसका कि अमाउंट जो होगी किसकी एडनिन की वो किसके बराबर होंगे थाइमिन के अमाउंट ऑफ एडनिन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ था थाइमिन ठीक है एडनिन का जो अमाउंट होगा यानी कि जितनी एडनिन की मात्रा होगी किसी भी डीएनए में उतनी ही मात्रा होगी किसकी थाइमिन की ठीक है ये इसका सेकेंड कंक्लूजन के अकॉर्डिंग था और सेम उसी प्रकार से जितनी ग्वानिन होगी उतनी ही साइटोसिन होगी ठीक है तो हम कह सकते हैं ए इक्वल टू टी एंड जी इक्वल टू सी इसी के आधार पर अभी हमने जो क्वेश्चन बनाया बैक में थैमिन वाला जो दिया हुआ था जो आपके 2020 में पूछा गया था इसी कंक्लूजन पे हमारा आंसर आया था ठीक ना इसी कंक्लूजन पे हमारा आंसर आया था चलिए इसको हम भी जामा पहना दे इसको भी अच्छा लगेगा नंगा पुंगा अच्छा नहीं लगता है ना चलिए ये हो गया एक और कंक्लूजन था इसका कि अगर आप किसी अलग जाति में ठीक है जैसे कि गधा और घोड़ा के जाति में अगर आप डीएनए को करवाइएगा कि अमाउंट कितने की डिफरेंस आ रही है तो कुछ न कुछ की डिफरेंस आएगी ठीक है तो उसके लिए इन्होंने थर्ड जो कंक्लूजन रखा था ठीक है वो रखा था कि इक्वल टू कितना आ जाएगा के आ जाएगा ठीक है ये वाला कंक्लूजन आपको क्या करना है याद रखना है हमेशा इस पर वैसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं लेकिन पता नहीं ठीक एग्जामिनर का पता नहीं कब क्या पूछते हैं तो आपको ये सारे के सारे याद हो गए ये सारे के सारे याद हो गए चलिए जो माउट कर देता हैं। इरविन चार्गफ साहब ने जो बताया कि आपका एडनिन जो होगा वो किसके बराबर होंगे थैमिन के बराबर होंगे और आपका ग्वानिन जो होगा वो सेटोसिन के बराबर होगा ये इनका सेकेंड कंक्लूजन था फर्स्ट कंक्लूजन था इनका कि अमाउंट ऑफ प्यूरिन जो होंगे वो इक्वल होंगे किसके पैरामिडिन के ठीक है यहाँ से तो ये आपको देखने को मिल गया जिसके अनुसार आपका ये क्वेश्चन बन गया ठीक है ये क्वेश्चन बन गया अब इस क्वेश्चन बनने के लिए हमें थोड़ा सा और आगे बढ़ना होगा और डी के हेलिक्स स्ट्रक्चर को समझना होगा तो चलिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ के डी के हेलिक्स स्ट्रक्चर को समझते हैं फिर आपको इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन बताएंगे और सॉल्व करेंगे फिर इसी टाइप में आपको ढेर सारा क्वेश्चन अभी हम करवाने वाले हैं तो चलिए पहले डी के हम स्ट्रक्चर को देख लेते हैं ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका एक शुद्ध डी है किसी प्रकार की इसमें दोस्त नहीं है ठीक ना शुद्ध है ये इनकी अगर बात करें इनका एक घुमाव का जिसको टर्न बोलते हैं ठीक एक घुमाव की जो लेंथ होती है यहाँ से मान के चलिए यहाँ तक की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी बता सकते हैं थर्टी फोर एंगस्ट्रम ठीक है अगर न्यूटन मीटर में बोले तो सॉरी न्यूटन मीटर नहीं नैनोमीटर में ठीक नैनोमीटर में बोले तो नैनोमीटर ठीक है अगर हम बात करें कि दोनों हेलिक्स के बीच का फैलाव कितना होता है तो कितना बताइए आप लोग ट्वेंटी अब जो मेन चीज है वो ध्यान दीजिएगा मेन चीज ये जो आपका एक टर्न है ठीक यहां से यहां तक मैं दूसरा कलर ले ले रहा हूं ताकि कंफ्यूज नहीं होइएगा यहां से यहां तक में जो है टोटल टेन पेयर होते हैं क्या टेन बेस पेयर होते हैं टेन पेयर बोले तो थाइमिन वानिन और साइटोसिन ऐसे से जुड़े एड एडनिन जो होते हैं वो थैमिन से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं और ग्वानिन जो होते हैं वो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से साइटोसिन के साथ जुड़े रहते हैं ठीक है तो ऐसे ऐसे कर कर के दस आपको देखने को मिलेगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेस पेयर बोलते हैं ठीक ये एक हो गया दो हो गया ऐसे ऐसे करके आपको कितने मिलेंगे दस मिलेंगे एक हेलिक्स में एक हेलिक्स मतलब एक टर्न के ये जो दिख रहा सामने वाला घुमाव में और जब डीएनए का एक टर्न बोलेंगे तो उनका लेंथ कितना होगा थर्टी फोर क्लियर है अब बात करें कि ये दोनों जो बॉन्ड है आपका एडनिन थान और ग्वानिन सेटोसिन के जैसे कि आपको ये देखने को मिल रहा है इन दोनों में कुछ गैप आपको दिख रही है ये गैप कितनी है ये अगर पूछे आपसे तो कितना बताइएगा थ्री पॉइंट फोर थोड़ा सा बड़ा लिख दे रहा हूं थ्री पॉइंट फोर अंगस्ट्रम ठीक क्या डबल हेलिक्स किसने दिए थे वाटसन एंड क्रिक ने दिए थे कब दिए थे उन्नीस सौ तिरपन ईस्वी में ठीक याद है ना चलिए अब आते हैं हम उस क्वेश्चन पे यहाँ पर सारी आपको देखनी चाहिए कि जो भी लेंथ है सभी आपके दिमाग में ऐड हुए कि नहीं हुए ऐड हुए कि नहीं हुए ऐड हो गए चलिए अब हम क्वेश्चन पर आते हैं वापस जो क्वेश्चन था हमारे पास उस क्वेश्चन पे आते हैं देखिए अब क्वेश्चन पढ़िए अब क्वेश्चन को आप पढ़िए क्वेश्चन हमें नाइनटी परसेंट उम्मीद है आपसे बन जाएगी चलिए बताइए बना या नहीं बना बना या नहीं बना चार सौ पेयर है तो डीएनए की लंबाई बतानी है आपको कितनी है चार सौ है जल्दी से बता बताइए चलिए हमें क्या करनी है एक ऐसे हम सीधा कर लेते हैं डीएनए का ये जो होती है ये बेस पेयर होते हैं ठीक ऐसे ऐसे करके जो है कितना दिया हुआ है चार सौ बेस पेयर देना है चार सौ टोटल हमें क्या किया हुआ है बेस पेयर दिया हुआ है इधर नहीं दिख रहा है चार सौ बेस पेयर दिया हुआ है तो हमें बताना है कि डीएनए कितना बड़ा लंबा है ठीक है कितना लंबा है डीएनए ये हमें बताना है तो चलिए हम क्या करते हैं पहले हम देखते हैं कि हम दूरी कैसे निकाल सकते हैं तो अब आप बताइए कि दो बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस कितनी थी दो बेस पेयर की बीच की डिस्टेंस कितनी थी थ्री पॉइंट फोर एंगस्ट्रम यही था ना तो बस इसी से गुना कर देंगे हम टोटल बेस पेयर में अपने आप लंबाई आ जाएगा तो चलिए वही करते हैं हम लोग चार सौ गुना थ्री पॉइंट फोर अंगेस्ट्रम ये पॉइंट हटाइएगा बट्टर टेन आएगा एक जीरो एक जीरो कैंसिल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा चौंतीस गुना चालीस चौंतीस गुना चालीस कीजिए आपका आंसर आ जाएगा कितना करके देखिए करके देखिए गुना इतना आ रहा है क्या इतना आ रहा है क्या इतना आपका लंबा हुआ क्या डीएनए तेरह सौ साठ लंबा आपका डीएनए होगा मिला ना चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए व्हाट विल बी द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन फाइव टर्न्स ऑफ डीएनए डीएनए के फाइव टर्न में हाइड्रोजन की कितनी बॉन्ड होगी आपको पता है कि डीएनए में जो होते हैं एडनिन थाइमिन के साथ और ग्वानिन जो होते हैं वो साइटोसिन के साथ किस टाइप के हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं तो एडिनिन थमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं और ग्वानिन सेटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं तो अब आपको ये बतानी है कि डीएनए के पांच टर्न यानी कि पांच घुमाव में कुल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे ठीक है आपको पता है कि एक टर्न में टोटल कितने पेयर होते हैं टेन पेयर होते हैं ठीक है तो पाँच टर्न में कितने हो जाएंगे पाँच गुना दस कर दीजिए कितने पचास हो गए ठीक है और आपको चारगफ रूल से ये भी पता है कि जितने प्यूरिन की संख्या होती है संख्या नहीं मात्रा होती उतनी पैराविडीन की मात्रा होती है ठीक है तो पचास में से पच्चीस हो जाएगा ये वाला ए डबल टी पच्चीस ये हो जाएंगे और पच्चीस हो जाएंगे आपके जी ट्रिपल बॉन्ड सी तो यहां पर 25 से दो को गुना कर दीजिए क्योंकि यहाँ पर दो हाइड्रोजन बॉन्ड है तो 25 दुनी 50 एच बॉन्ड मिल गए आपको ठीक है उसी प्रकार से अगर इसकी बात करें तो 25 लेकिन ट्रिपल बॉन्ड है तो 25 दी 75 पचहत्तर एच बॉन्ड आपको मिल गए दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 125 हाइड्रोजन बॉन्ड ठीक है राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा बताइए ये क्वेश्चन समझ में आया बताइए कितना इजी क्वेश्चन था थोड़ा सा सोचना था अब बन जाएगा ना तीन टर्म चार टर्म या कितना भी दे देते तो बन जाएगा ना बनेगा या नहीं चलिए थोड़ा सा एक एक क्वेश्चन और ले लीजिए इसमें अगर मैं बोलूँ कि किसी डीएनए के तीन टर्म में हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या बतानी है तो बताइए तो तीन टर्न में कितनी हो जाएगी सीधे गुना करेंगे तीन गुना दस कितना हो जाएगा तीस अर्थात पंद्रह हो जाएंगे हमारा क्या ए यहाँ पर मैं कलर बदल लेता हूँ ठीक रहेगा पंद्रह हो जाएंगे उसमें ए टी वाले ए के साथ तो डबल बॉन्ड बनता है और पंद्रह हो जाएंगे ग्वानीन जो साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे तो पंद्रह दो तीस हो गए और यहाँ पर पंद्रह ती पैतालीस हो गए टोटल कितने हो जाएंगे कितने हो जाएंगे पचहत्तर एच बॉन्ड क्लियर ना अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा ना आपसे चलिए स्क्रीन शॉट ले लीजिए नहीं तो फिर से दोबारा जो है वीडियो को एक बार लेक्चर चालू कीजिए और सब नोट करते हुए चलिएगा ठीक हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर अगला क्वेश्चन है ए पीस ऑफ डीएनए एन कंटेन फोर नाइट्रोजन बेस बेस पेयर नहीं बोला गया है बेस बोला गया है ठीक है व्हाट विल बी द नंबर ऑफ ए टी जी सी यहाँ पर प्योरिन और पैरामिडीन की संख्या पूछ दी गई है ठीक है लेकिन आपको ध्यान ये रखना है हर एक डीएनए बोला गया है उसमें जो है नाइट्रोजन बेस चार सौ है तो पेयर लगानी है पहले ठीक बेस पेयर का था तब तो कोई दिक्कत नहीं था पेयर लगानी है तो 200 200 का हम पेयर लगाएंगे क्योंकि डबल हेलिक्स होता है डीएनए तो 200 200 का हमने पेयर लगा दिया अब बोला गया है कि इसमें आपको बतानी है कितना कितना ए कितना होगा सी कितना होगा और आपका क्या होगा जी कितना होगा चलिए वो भी हम देख लेते हैं सबसे पहले पेयर में क्या होगा एडनिन होगा किसके साथ थाइमिन के साथ ग्वानिन होगा किसके साथ साइटोसिन के साथ इसी प्रकार से होगा तो हम कह सकते हैं कि 200 में से जो है 50 परसेंट क्या हो जाएगा एडनिन थाइमिन वाला हो जाएगा 200 में से आपका अगर इस स्टैंड की बात करें इस स्टैंड में आधा आधा तो होगा ना आधा क्योंकि आपको पता है इक्वल टू पैराम ठीक तो क्या हो जाएगा 200 में से 100 ये होगा ए होगा और 100 जी होगा ठीक अगर ये इसके बराबर तो टी है अगर एडनिन 100 है तो थेमिन भी 100 हो जाएगा और ग्वानिन 100 है तो ये भी सौ हो जाएगा वैसे भी हम दिमाग लगा सकते थे कि चार सौ अगर नाइट्रोजन बेस है तो अगर टोटल तो चार ही नाइट्रोजन बेस है ना क्या क्या ए कोमा टी कोमा जी कोमा सी ये चार ही नाइट्रोजन बेस है तो टोटल की संख्या पूछा जा रहा है तो चार सौ माइनस में भाग कर देते चार से सीधा सौ रिजल्ट आ जाता कि हमारा प्रतीक जो होगा वो सौ सौ होगा आया समझ में क्वेश्चन आया चलिए ऐसे ही क्वेश्चंस और भी आप लोग डाटा चेंज कर करके बनाइएगा ये सारे के सारे अभी जो आपको क्लास करवाया इनका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा बायो वर्ल्ड के टेलीग्राम ग्रुप में लेकिन मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को बार बार प्ले करके और उसी से नोट करें क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँगा उनको भी आपको अगर लगेगा कि जरूरी है तो आप उनको भी नोट कर लीजिएगा ठीक है ताकि आप अगर दोबारा पेज को पलटिएगा तो आपके पेज में सब कुछ पेज पलटते ही आपको सब कुछ इस क्लास की बातें याद आने लगेगी ठीक है दोस्तों चलिए क्वेश्चन करें चलिए क्वेश्चन है आज केवल थ्योरेटिकल पार्ट से तो आप लोग आंसर कीजिए ठीक है पहला क्वेश्चन है समुद्र नीला क्यों प्रतीत होता है समुद्र जो नीला दिखाई पड़ता है आप पास से देखिएगा तो नीला नहीं दिखाई देगा थोड़ा ऊपर जा करके देखिएगा ठीक है तब नीला दिखाई पड़ेगा आकाश भी नीला दिखाई पड़ेगा तो ऐसा क्यों होता है तो प्रकाश के प्रकिन्नन के कारण होता है ठीक है क्या हमारी ये राइट आंसर प्रकाश के प्रकिन्नन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए हलवा होना चाहिए प्रकाश का निर्वात में बेग है प्रकाश का निर्वात में बेग कितना होता है थ्री गुना टेन टू तो पावर एट मीटर पर सेकेंड ठीक ना चलिए अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है समतल दर्पण में प्रतिबिंब होता है अच्छा जो हम लोग अपना थोड़ा वगैरह देखते हैं वो कौन सी दर्पण होती है बताइए समतल दर्पण होती है उसमें हमारा प्रतिबिंब क्या होता है आभासी होता है लेकिन सीधा होता है ठीक ना तो क्या हो जाएगा राइट आंसर सी हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष इकाई है दो के पीएम एग्जाम में पूछा गया है अगर आप 2016 वाला देखिएगा तो वहां पर आपको यह क्वेश्चन दिखाई पड़ेगा प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है यानी कि इकाई है वहां पर पूछा गया था प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है जल्दी से बताइए दूरी का ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था हैगेंस ने प्रतिपादित किया था ठीक ना चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बिल्कुल ए वाले से भी लोग सही है कोई दिक्कत नहीं है चलिए तो छः नंबर क्वेश्चन देखिए जब प्रिज्म से प्रकाश किरण गुजरती है तथा रंग जो समूह उत्पन्न होता है उसे कहते हैं जब प्रिज्म से प्रकाश गुजरती है तो श्वेत प्रकाश सात रंगों में विभक्त हो जाती है कितने रंगों में सात रंगों में विभक्त हो जाती है उसे क्या है? बोलते हैं हम वर्ण बोलते हैं ठीक है क्या है? बोलते हैं वर्ण बोलते हैं चलिए अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है सबसे छोटी तरंग लंबाई का प्रकाश होता है जिसका ऐसा प्रकाश जिसकी तरंग की लंबाई छोटी हो कौन सा होगा जल्दी बताइए जो हमें दिखाई नहीं पड़ता बैगनी का बैगनी ठीक चलिए अगला देखिए अगला क्वेश्चन है किस रंग का तरंग देरी कम होता है किस रंग का तरंगदेर कम होता है तरंगदेर किसको बोलते हैं लंबाई को बोलते हैं तो क्या हो जाएगा जी बैगनी हो जाएगा बैगन खाए हो ना वही बैगनी ठीक ना चलिए अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है ल्यूमेन किसका मात्रक है ल्यूमेन किसका मात्रक है जल्दी से बताइए जल्दी से बताइए ज्योति फ्लस का है क्या चलिए अगला देखिए कैंडिला किसका मात्रक है सभी को पता होनी चाहिए कैंडिला किसका मात्रक है ये इसमें बताने की जरूरत नहीं है नहीं है ना क्या हो जाएगा ज्योति तीव्रता का ज्योति प्लस का नहीं ज्योति प्लस का क्या है लुमेन है ठीक ना चलिए अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन प्रकाश तरंगे होती है प्रकाश तरंगे होती है जिग, 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 जिग। मतलब अनुप्रस्थ तरंग ठीक है क्या होती है अनुप्रस्त रंग चलिए अगला देखिए अगला क्वेश्चन है सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है सूर्य के प्रकाश में सबसे अधिक प्रकीर्णन किस रंगों का होता है जिसका प्रकीर्णन होगा वो हमारे पास तक नहीं आएगा यानी कि बैगनी ठीक ना चलिए अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है हम बता चुके हैं सभी को पता भी होगी ठीक ना चलिए पेन स्मूथ दिख रहा है ना आपका नया इलेक्ट्रिक पेन आ गया है तो अब जो पेड ग्रुप जूम पे जो क्लास हो रही है वहाँ भी लिखाने में अब कोई दिक्कत नहीं होगी तो वहाँ पर भी आपका क्लास अब अच्छे से चलेगी ठीक ना इससे पहले क्या होता था जूम पे हम लिखा देते थे लेकिन हम लिख के भी एक्सप्लेन कर सकते हैं ठीक चलिए अगला है इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है इंद्रधनुष में जो है किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है जल्दी से बताइए लाल रंग का ठीक चलिए अगला क्वेश्चन देखिए अभी यहाँ पर उतना सोचना नहीं है क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट है इतना तो आप जानते ही होंगे बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं नाइन्थ टेंथ में ही ये सभी चीज़ें पढ़ चुके हैं सिर्फ आंसर करना है इंद्रधनुष के बीच में कौन सा रंग होता है इसको ट्रिपल स्टार दे दीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है टेक्निकल क्वेश्चन है इंद्रधनुष के बीच में कौन सा रंग होता है हरा रंग होता है ठीक है किस रंग का तरंग कांगदेरी सबसे लंबा होता है जिसका तरंगदे सबसे छोटा हुआ हमारे पास नहीं आएगा जिसका लंबा हुआ हमारे पास तक आएगा तो कौन सा आता है लाल आता है तो क्या हो जाएगा राइट आंसर लाल हो जाएगा बिल्कुल सभी का राइट है सी वाले सभी लोग राइट है अच्छा चलिए आवाज थोड़ा सा भारी लग रहा ना देखिए अभी मौसम जो चेंज हो रहा है ना इसकी वजह से फीवर टाइप से आ गया है बाकी कुछ लोग बोलते हैं कि सर का आवाज़ डम है मतलब पूरा डरावना टाइप ऐसा लग रहा है क्या अरे थोड़ा बहुत डांट देते हैं आप लोगों को ताकि पढ़ाई के प्रति सीरियस रहिएगा इसका मतलब ये नहीं कि आपसे हम रूडली बिहेव करते हैं या आप मतलब रूड है ऐसा नहीं है कुछ ठीक ना आपके पढ़ाई को लेकर के थोड़ा सा रहता है दिमाग में इसीलिए थोड़ा सा डांट के बोलते ताकि पढ़ाई करें आप लोग है ना ऐसा कुछ मन में नहीं रहता कि किसी को डांटे या कुछ बोले ऐसा कुछ भी नहीं रहता ठीक ना तो ऐसा नहीं सोचिए कि सर जो है थोड़ा सा अकड़ू है या मतलब कड़े मिजाज के ऐसा कुछ नहीं है चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं अगला क्वेश्चन देखिए जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घूर्णित यानी कि घुमाया जाए तो प्रवर्तित किरण का गुणन होगा अगर किसी दर्पण को आप थीटा कोण से घुमाइएगा तो उस पे उसके द्वारा जो प्रकाश को जो प्रावर्तित किया जाएगा उसका कोण कितना होगा या किरण का घूर्णन कितना होगा बताइए अगर थीटा से घुमाया जाएगा तो क्या हो जाएगा टू थीटा हो जाएगा ठीक है अगर टू थीटा से घुमाया जाएगा तो फोर थीटा हो जाएगा याद रखना चलिए अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी प्रकाश की गति जो है किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी कांच से होकर के जाते हुए निर्वात जल वायु किससे होकर के जल जैसे बताइए देखिए निर्वात में तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं जल में भी लगभग फर्क नहीं पड़ेगा वायु में तो निर्वात ही वायु हो गया ठीक ना लेकिन कांच में फर्क पड़ता है ठीक तो प्रकाश की गति अगर कांच से होकर गुजरेगा तो वो वहां पर न्यूनतम हो जाएगा न्यूनतम कितना होगा वो भी हम पेड कोर्स में आपको जूम पे पढ़ा रहे थे तो लिखाए हुए थे ना कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है बताए थे ना जल्दी से बताइए कितनी होती है जल्दी से बताइए इतनी होती है चलिए अगला देखिए मृग तृष्णा बनने का कारण है मृग तृष्णा को ही मरीचिका बोलते हैं ठीक ना ब्रेक त्रेष्णा बनने का कारण क्या है जल्दी से बताइए पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन ठीक है पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन जिसके कारण आपको पानी का आभास होगा कि सामने पानी है कभी कभी रोड पर भी आप देखते होंगे जब तेज धूप होती है उस टाइम आप जा रहे होते हैं तो आपको भ्रमित होता है कि आगे पानी रोड पे लगा हुआ है लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है तो इसे हम बोलते हैं मृग तृष्णा मृग तृष्णा कहाँ से लिया गया ये राजस्थान यानी कि रेगिस्तान जगह से लिया गया जहां पर मृग ठीक ना उनको आभास होता है कि सामने जो है पानी है लेकिन वहां जाने के बाद पता चलता है कि वो चमकीला बालू होता है जिस पर प्रकाश का पूर्णांतरिक परिवर्तन हो जाता है ठीक चलिए आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है प्रकाशीय गेज किस सिद्धांत पर कार्य करता है प्रकाशीय जो होता है जिसके द्वारा हम मापते हैं हैं वो किस सिद्धांत सिद्धांत पर पर कार्य करता है बता सकते हैं? के पर, कि कितना प्रकाश का प्रावर्तन हो रहा है कितना आपतन हो रहा है कितना प्रका... प्रावर्तन हो रहा है बाकी जो रेस्ट बच रहा है वो हमें मिल जाता है ठीक क्या हो जाएगा राइट आंसर ए हो जाएगा चलिए नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू धोतीहीन दिखाई देता है सूखा वालू चमकीला दिखाई देने के कारण एक तृष्णा वाली घटना होती है ठीक ना तो सूखा वालू पर क्या होता है जल्दी से बताइए सूखा वालू जो होता है वो चमकीला होता है क्यों 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 परावर्तन हो जाता है जो लाइट आती है वो परावर्तित होकर चला जाती है और किस प्रकार का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है ठीक ना चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए अगला क्वेश्चन है किसी स्वच्छ जल वाले तालाब को आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखती है इसका कारण है अगर किसी तालाब यानी कि पोखरिया में पानी है और पानी साफ है तो गहराई इतना लेकिन आपको दिखेगा गहराई इतना है ठीक ना ये किस घटना के कारण दिखता है जल्दी से बताइए प्रकाश के अपवर्तन के कारण ठीक है प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा दिखाई पड़ता है ठीक ना चलिए अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है तड़ित की चमक तड़ित मतलब तड़का वगैरह जो होता है बारिश में ठीक ना तड़ित की चमक की गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है अरे सीधा सीधा बोलो ना ससुरा हम लोग के भाषा में कि तड़का जो पहले आवाज होता है उससे पहले हमें बिजली की चमक दिखाई देती है क्यों क्योंकि आपको पता है कि वेव जो होती है साउंड की गति क्या होती है और लाइट की गति क्या होती है जल्दी से बताइए अब दोनों में डिफरेंस आपको पता चल गया लाइट की गति तीव्र होती है ध्वनि की गति से तो इसी कारण से हमें पहले लाइट दिखाई देती है फिर बाद में ध्वनि दिखाई देती है तो आपका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है ठीक चलिए अगला देखिए अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है तीन हजार अंगस्ट्रम तरंगदेर की प्रकाश की तरंग की आवृत्ति होगी यहाँ पर आपको आवृत्ति पूछा गया है पेड कोर्स में ये होमवर्क में दिए हुए थे ठीक है बना है आप लोगों से बना है तो जल्दी से बताइए कितना आंसर है यहाँ पर देखिए एक अंगस्ट्रम बराबर कितना होता है टेन टू तो दावर माइनस टेन होता है सभी को पता है ना चलिए सॉल्व करते हैं तो हम क्या निकालते हैं आवृत्ति को एन लेते हैं फिलहाल ठीक है तो क्या हो जाएगा वेग हमारा क्या हो जाएगा तरंग हो जाएगा तरंग देर को हम से दिखाते हैं तो यहाँ पर वेग हम क्या लेंगे प्रकाश का लेंगे टू पावर एट नीचे में क्या हो जाएगा हमारा तीन हजार एंगेस्ट्रम है एंगेस्ट्रम को हम हटाएंगे तो क्या हो जाएगा तीन हजार गुना टेन टू दावर माइनस टेन टेन टू तो माइनस टेन ठीक है चलिए इसका जो है नीचे में मन नहीं लग रहा है ये छट पटा के ऊपर जाना चाह रहा है चलिए इसको ऊपर भेज दे रहे हैं ऊपर में जाएगा तो ये यहाँ पर माइनस में ऊपर में जाएगा तो क्या होगा प्लस में हो जाएगा ठीक तो यहाँ पर हम यहाँ आठ जो दिया हुआ है आपको इस आठ में से हम क्या करते हैं यहाँ पर तीन दे देते हैं इस तीन जीरो जो है दे देते हैं इस तीन पर ठीक है ताकि नीचे वाला से इसका बराबरी हो जाए नीचे में तीन हज़ार है ना तो ऊपर में भी तीन हज़ार हो जाएगा बराबरी हो जाएगा तो चलिए ऊपर में भी हम कर लेते हैं गुना टेन टू दी पावर कितना बचा आठ में से तीन चला गया तो पाँच ही बचा यहाँ पर नीचे बच गया तीन हज़ार अब ये नीचे वाला भाई जो थे इनको मन नहीं लग रहा था नीचे तो इसको ऊपर हम लेके चल गए ये हो गया टेन टू दी पावर प्लस में पावर टेन ठीक है नीचे से ऊपर गया अगर ऊपर से नीचे आता तो माइनस होता है अगर नीचे से ऊपर जाता तो प्लस होता है ठीक है तो ये ये चले गए ठीक चलिए बचा क्या वन गुना टेन टू दी पावर पंद्रह ये बचा ना और आवृत्ति किस चीज में लिखा जाता है हर्टेज में लिखा जाता है ठीक ना चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है ये क्वेश्चन आप बताइएगा किसके द्वारा प्रकाश का जो है रंग निश्चित किया जाता है ठीक है ये भी वै क्वेश्चन हो सकते हैं आपके एग्जाम और पीएमडी के लिए तो होंगे ही होंगे ठीक है याद रखिएगा चलिए अगला क्वेश्चन है, है सूर्य की किरने में कितने रंग होती है सूर्य के किरण किरण जो होते हैं उसमें कितने रंग होते हैं टोटल जल्दी से बताइए सभी को पता है ना तो बता दीजिए सभी को पता है तो हमें तो पता नहीं है ठीक ना चलिए अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है एक प्रकाश वर्ष किसके सर्वाधिक समीप है एक प्रकाश वर्ष एक प्रकाश वर्ष की मात्रा मात्रा कितनी होती है और देखना है कि इनमें से किसके बराबर है वो जल्दी से बताइए सबसे पहले चलिए कमेंट में हमें बताइएगा प्रकाश वर्ष का मात्रक कितना होता है ठीक है और उसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर वाला अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन है प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति देखिए प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति जो होती है वो लगभग समान होती है लगभग एग्जैक्ट नहीं लगभग जो होती है वो समान होती है ठीक है <coughs> अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है रेडियो तरंग की गति होती है रेडियो तरंग की गति कितनी होती है? जल्दी से बताइए थ्री गुना टेन टू पावर एट मीटर पर सेकंड। क्योंकि हमने बताया आपको कि प्रकाश की गति जो होती है उसी के लगभग होती है ठीक तो क्या हो जाएगा थ्री गुना टेन टू दी पावर एट मीटर पर सेकंड अगला क्वेश्चन है कांच से गुजरने पर प्रकाश की किस रंग की गति धीमी हो जाती है अगर कांच से प्रकाश को गुजारिएगा तो उनमें से आपका बैगनी कलर जो होगा उसकी गति धीमी पड़ जाएगी ठीक है प्रकाश के दो अलग स्वरूप है प्रकाश के दो अलग स्वरूप कौन कौन से हैं बता सकते हैं परावर्तन और अपवर्तन बस वही तो दोनों हैं क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका बी हो जाएगा चलिए अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है आपका प्रकाश निर्वात में भी चलता है क्योंकि प्रकाश संबंधित है प्रकाश जो है वो निर्वात में भी चलता है प्रकाश किससे संबंधित है गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से या विद्युतीय क्षेत्र से या चुंबकीय क्षेत्र से बता सकते हैं देखिए आपको पता है बताए हुए थे पेड कोर्स में ही आ, या आपको पता भी होगी कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग के साथ साथ चुंबकीय तरंग भी है ठीक है ना तो वो चुम्बक क्षेत्र से भी संबंधित रखता है चलिए अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है सबसे कम तरंग लंबाई वाले किरण है सबसे कम तरंग लंबाई वाले किरण कौन है ये होमवर्क में बताइएगा कल जो आपका सुबह वाला क्लास होगा अगर तबीयत सही रहा तो जूम पे तो क्लास आपका पेट कोर्स में होगा ही होगा तो वहाँ पर हम इनको और डिटेल्स में समझाएंगे आप लोग पढ़ के आइएगा ठीक है हम नोमरिकल पार्ट को ही कल जो है नोमरिकल पार्ट को भी हम लोग ट्राई करने वाले हैं कल ही स्टार्ट करेंगे नोमरिकल पार्ट को बाकी थियोरटिकल पार्ट तो हो ही गया लगभग चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए अगला क्वेश्चन है प्रकाश के अपवर्तन में कौन सा कारक उत्तरदायी है प्रकाश के अपवर्तन के लिए कौन सा कारक या कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है जल्दी से बताइए बता सकते हैं चलिए अब क्वेश्चन एंड होने वाला है इसीलिए आपको होमवर्क भर भर के मिल रहे हैं ठीक ना अगला क्वेश्चन है आपका वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण पैंतालीस डिग्री हो तो अपवर्तनांक क्या होगा अगर किसी द्रव का क्रांतिक कोण जो है वो पैंतालीस डिग्री हो रहा है क्रांतिक कोण कैसे बन रहा है आपको पता ही होगा तो आपको अपवर्तनांक पूछा गया अपवर्तनांक के लिए आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है साइन आई बट्टे साइन आर यहाँ पर आई का मान तो नब्बे डिग्री होगा ये तो आप लोग जानते ही हैं प्लस में पैंतालीस डिग्री हो जाएगा जो कि आपका दिया गया है नाइन्टी का मान साइन नाइन्टी का मान जो है कितना होता है एक होता है और साइन पैंतालीस डिग्री का मान होता है एक बट्टर रूट टू तो रूट टू ऊपर जाएगा रूट टू बट्टर वन हो जाएगा तो मान कितना हो जाएगा रूट टू ही हो जाएगा ठीक है राइट आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा जिनको समझ नहीं आ रही कोई दिक्कत नहीं कल आपको पेड कोर्स में समझा देंगे ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात की प्रकाश की चाल को सबसे पहले किसने ज्ञात करी बता सकते हैं चलिए बताइएगा हमें भी ठीक है चलिए बल्ब किसने बनाया था एडिशन ने ठीक है बल्ब किसने बनाया था एडिशन ने कई बार प्रयास करने के बाद बना था चलिए अगला क्वेश्चन देखिए <coughs> अगला क्वेश्चन है वायु के सापेक्ष <coughs> तबीयत थोड़ी सी खराब हो रही है ठीक है और बढ़ते जा रहा है आगे देखिए वायु के सापेक्ष कांच व पानी के अपवर्तनांक क्रमशः कांच का अपवर्तनांक ये है और पानी का अपवर्तनांक ये है पानी के सापेक्ष कांच का अपव होगा ये बता सकते हैं बता सकते हैं ग्लास का कितना है? ये तीन वटे दो और आपका वाटर का अपवर्तनाक कितना है चार वटे तीन ठीक तो पानी के सापेक्ष आपको अपवर्तनाक ज्ञात करना है तो ये हम मिटा ले रहे यहां से चलिए क्या करा पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक तो कांच का ऊपर में लिखेंगे और पानी का नीचे में अपवर्तनांक लिखेंगे ठीक ना किसके सापेक्ष पानी के सापेक्ष तो यहाँ W देंगे यहाँ पर G देंगे ग्लास हो गया ऊपर में लिखिए किसका आपको कांच का लिखना होगा और नीचे में किसका लिखना होगा पानी का तो कांच का कितना है थ्री बाय टू और आपका पानी का कितना है फोर बाय थ्री तो इसको उलट दीजिए उलट में चल जाएगा ये तीन चला जाएगा ऊपर और चार आ जाएगा नीचा तो तीन तीन कट जाएगा दो इनका का दो दो दूनी चार कितना हो जाएगा आंसर कितना हो जाएगा आंसर चलिए थोड़ा सा मैं यहाँ इसको यहाँ पर ले लूँ तीन बट्टा दो हो गया और इसको उल्टाएंगे ये हो जाएगा हमारा उलट के जाएगा तीन बटे चार नहीं नहीं ये कटेगा नहीं ऊपर में आ गया है तो तीन तीन नौ हो जाएगा और चार दुनी आठ हो जाएगा नौ बट्टे आठ हो जाएगा तो राइट आंसर कौन सा मिल रहा है आपको ए नंबर मिल रहा है ना तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा चलिए अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है आपतित प्रकाश की एक किरण को प्रावर्तित कर रहा कर रहे एक समतल दर्पण को आपतन तल के लंबत दर्पण के तल में आपतन बिंदु से जाती हुई अक्ष के परिता मतलब चारों ओर थीटा कौन से घुमाया जाता है तब अगर क्वेश्चन पढ़िए फिर से लंबत दर्पण पर जो बिंदु बनेगा उसको अगर थीटा कौन से घुमाया जाए ठीक है तो आपका परिवर्तित किरण जो है वो किस एंगल से घूमेगा? क्वेश्चन पढ़ लिया ना अब बताइए क्या होगा आंसर इसका आपको बताया ना कि जब थीटा कोण से घुमाया जाएगा तो आपको देखना है कि दर्पण कौन सा है यहां पर ध्यान दीजिए क्या है समतल दर्पण समतल दर्पण को जब थीटा कोण से घुमाया जाता है तो प्रावर्तित कोण प्रावर्तित किरण प्रावर्तित किरण के द्वारा है न प्रतिबिंब बनता है तो क्या होगा टू थीटा हो जाएगा जब थीटा कोण से घुमाया जाता है तो क्या होता है तो टू थीटा कोण बनता है ठीक है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है एक वर्णीय प्रकाश का पुंज एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है इसके फलस्वरूप जब एक वर्ण मतलब एक कलर का प्रकाश पूंज एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो किस प्रकार की घटना होती है वेग में वृद्धि होती है या कमी होती है ये बताइएगा आप लोग ठीक है तो आज फिलहाल इतना ही रहने देते हैं